उमर लकड़ा वाला बोल बचन बंद करो, गली के ड्रेनेज साफ करो। टंडेल स्ट्रीट पर गली के लोगों ने लिखकर लगाया बोर्ड। निशान पाड़ा रोड टंडेल स्ट्रीट के लोग काफी वक्त से गटर की गंदगी से परेशान हैं। बार बार कंप्लेन करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। गंदगी से परेशान गली के लोगों ने नगर सेवक आफरीन शेख से भी रिक्वेस्ट की, पर फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिर अपने जज्बात को गली के नोटिस बोर्ड पर डाल दिया, जिसमें लिखा है, उमर लकड़ा वाला बोल बचन बंद करो, गली के ड्रेनेज साफ करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अमित कुमार यहाँ 12 तांडल क्रॉस लेन में आया हूँ। आप देखिए ये भाई, दिखाइए गली का हाल क्या है। ये देखो पानी बह रहा है, एक हफ्ते से परेशान है बेचारे गली वाले। औरतें माँ बहने जा नहीं सकते, आप यकीन नहीं आता तो आप इनसे पूछ लीजिए, ये आपको बताएंगे क्या तकलीफ है। हम लोग लास्ट एक दो महीने से परेशान हैं और ये गली की हालत देखेंगे जरा। गली यहाँ पर वीडियो मारना, ये पूरी यहाँ से लेके वो कोने तक बीएमसी में हम लोग ने सबको कंप्लेंट दी है, बी वार्ड को सबको कंप्लेंट दी है, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब यही बोलते हैं कि हम लोग कर लेंगे। कचरा भी दुनिया भर का पड़ा हुआ है, रैपिड पड़ा हुआ है, ये पूरा ड्रेनेज ऐसा पड़ा हुआ है। सब यही बोलते हैं कि दो दिन में हो जाएगा काम, मगर वो दो दिन कभी आएगा पता नहीं हमारे। बहुत परेशान है भाई, देखो जरा जल्दी कुछ देखो, इसको करो। नमाज को जाने के सुबह के अंदर तो ऐसी हालत रहती है, ऐसा लगता है कि पूरी गटर, पूरे हिंदुस्तान की गटर पूरी हमारे यहाँ खुल गई है। बहुत बुरी हालत चल रही है। अरे कहने का मतलब कि नमाजी भी नहीं आ सकते यहाँ से, नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं आ सकते, नमाजी को भी तकलीफ होती है। अरे भाई आपको बताएंगे क्या तकलीफ हो रही है, गली गई है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गली गई है, क्या बोला था बोलो, दो सब बोलिए आपकी। वो 10 टाइम आके साफ होते हैं, कंप्लेन करते हो आकर 15-20 दिन के बाद साफ होती है, फिर बाद में फिर देखो तो 15-20 दिन का फिर रहना चालू हो जाती है। ये रेट चैम्बर काम नहीं हो रहा, ये कहीं टेम्पोरी काम करके चले जाते हैं, इसकी वजह से वो कोई नमाज ही जाता है, ये जाता है वो, तो हालत